रतलाम जिले के पिपलोदा नगर स्थित कब्रस्तान पर आज नगर परिषद व अंजुमन कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 121 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ नारे को सार्थक करते हुए पिपलोदा मुस्लिम समुदाय ने नगर के कब्रस्तान को मानो नर्सरी बना दिया है। आपको बता दें कि पिपलोदा कब्रस्तान में 1500 से ज़्यादा जिंदा पौधों को पिपलोदा में मुस्लिम समुदाय द्वारा पाल पोस कर वृक्षों का रूप देकर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसी परंपरा को जीवित रखते हुए आज दिनांक को अंजुमन कमेटी पिपलोदा और नगर परिषद के संयुक्त रूप से 121 पौधों से वृक्षारोपण किया गया। गत वर्ष भी सागवान के 24 पौधों का वृक्षारोपण किया था, जिसमें 23 पौधे वृक्ष का रूप लेकर लहलहा रहे हैं। वृक्षारोपण के अवसर पर मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल, पूर्व अंजुमन सदर सैयद रियासत अली काजी, अंजुमन सदर एजाज शेख, पार्षद रईस मंसूरी, मनोहरपुरी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये जो आज कब्रिस्तान में वृक्षारोपण किया गया है, ये विगत वर्ष भी किया था, जिसमें 24 पौधे सागवान के लगाए थे, जिसमें से 23 पौधे अभी भी जिंदा है, चल रहे हैं। और इस कब्रिस्तान में हमारे पूर्वजों द्वारा भी बहुत वृक्षों को लगाया गया है। इस तरह से आज देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय द्वारा पिपलोदा कब्रिस्तान के अंदर 1500 से ज़्यादा जीवित वृक्ष हैं, जिसमें नीम, बम्बूल और सभी प्रजातियों के वृक्ष मिले। हमारे यहाँ पर वृक्ष लगाओ खुशहाली लाओ, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, इसके लिए इको फ्रेंडली की तर्ज पर ही पिपलोदा का मुस्लिम समुदाय अपनी पूरी मेहनत करता है। पूरी मेहनत से जो लगाए गए वृक्ष उनको चलाने की कोशिश करता है। अमूमन देखा गया है कि लोग वृक्ष लगाकर भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। आज भी हमने 121 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। इन 121 वृक्षों में कमेटी के सदस्य और नगरवासियों द्वारा इन वृक्षों को गोद ले लिया जाएगा और इनके ऊपर फिर पूरी मेहनत और कोशिश की जाएगी। अगले साल इन सारे वृक्षों को हमें पेड़ का रूप देना है और इसी मेहनत के साथ आज ये जो कब्रिस्तान नर्सरी की तरह दिख रहा है, ये इन सभी की मेहनतों का नतीजा है। मैं अंजुमन सदर एजाजुद्दीन शेख पिपलोदा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।